डिंडौरी से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम पर जमीन की धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब इस पूरे मामले में ओमकार मरकाम ने अपनी सफाई दी है। जमीन खरीदी में फर्जीवाड़े के आरोप को लेकर डिंडौरी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने हमेशा डिंडौरी के विकास और जनता की सेवा के लिए काम किया है। जो आरोप मुझ पर लग रहे हैं वो केवल राजनीति है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल और नेता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ओमकार मरकाम ने कहा कि ये एकदम गलत है कि देश में विकास 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है, पहले की सरकारों में भी देश का विकास हुआ है। क्योंकि मैं लगातार 2008 से अभी तक डिंडौरी विधानसभा की सेवा करते आ रहा हूं और ऐसे समय में मुझे रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाएंगे और उन प्रयासों में मुझे बदनाम करने के लिए विभिन्न प्रकार के बात किए जाएंगे, पर मुझे लगा कि मैं आपसे चर्चा करूं और सच्चाई जो है वो आपके बीच में रहे, ऐसा मैंने सोच करके आज प्रेस वार्ता में आप सब लोगों से सीधे संवाद करने का मैंने आग्रह किया था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।